मैं हूँ प्रज्ञा, आप मुझे देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव पर। खबरों की ओर रुख करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम वही खबरें आपको दिखाते हैं जो आपको जानना जरूरी है, क्योंकि सच जरूरी है। मांडल के पास रास्ता ढहने से यातायात बंद, लोगों की परेशानी बढ़ी। एक तरफ राज्य सरकार की ओर से मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना का डंका बजाया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर संबंधित विभाग के अधिकारी और ठेकेदारों ने मिलकर योजना का बोगस तथा निकृष्ट निर्माण कार्य करने अब बारिश पुल खोल रही है। राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस राज्य में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से 30,000 किलोमीटर के रास्ते बनाए जाने की बात कह रहे हैं, लेकिन बनाए गए रास्ते की क्वालिटी और लाइफ के बारे में कोई चर्चा नहीं हो रही है। भंडारा जिले में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से जिले भर रास्ता का जाल बिठाया गया, लेकिन वही रास्तों की अब बारिश पोल खोल रही है। लाखांदूर तहसील के ग्राम मांडल से मासल जाने वाला रास्ता मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से बनाया गया। मांडल के समीप एक पुलिया बनाया गया, लेकिन पुलिया दोनों साइड में पत्थरों से पिंचिंग या सुरक्षित दीवार नहीं बनाने की वजह से रास्ता बारिश के बाढ़ के चपट में आया और ढह जाने की घटना घटी। अब रास्ता ढहने से मासल से लाखांदूर जाने का रास्ता बंद हो चुका, जिसमें इस रास्ते पर चलने वाली बसेस बंद होने से छात्रों के साथ आम आदमी को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। भंडारा जिला परिषद के सदस्य मनोहर राउत ने मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के बोगस कामों की जांच करवा कर मांडल के पास जो रास्ता ढह गया उसे तुरंत दुरुस्ती करने की मांग की है। आइए देखते हैं हमारे भंडारा ब्यूरो चीफ निषाद लांजेवर की खास खबर। अब सर मुझे बताइए कि ये जो मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना का रास्ता पिछले 2 साल से यहाँ पर बनाया गया है, और जिस क्वालिटी का रास्ता बनना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर करोड़ रुपया खर्चा किया गया सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से, हाँ, लेकिन ये पहली बारिश में ये रास्ता पूरा का पूरा धंस गया है। जी हाँ, पानी के फ्लो से रास्ता पूरा धंस गया है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? हमारा कहना ऐसा है कि ये जो रास्ता है ये जिला परिषद का रास्ता है। जब ये सरकार ने मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से टोटल महाराष्ट्र के रास्ते अच्छे बनाने के जो दिवा स्वप्न दिखाया जनता को, तब जिला परिषद का कहना था कि जो रास्ते है, जो एजेंसी के रास्ते है, समझो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के, वो बनाएंगे, हमारे है वो हम बनाएंगे। तब गवर्नमेंट ने सुनी नहीं, और गवर्नमेंट ने ये PMGSY जो यंत्रणा थी अपने पास यानी स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में, उनको ये रास्ते का काम दिया। अच्छा हुआ काम दिया, हमें भी अच्छा लगा कि जो हमारी यंत्रणा है वो कम गिरेंगी, जो स्पेशल यंत्रणा रास्ते की काम कर रही है, PMGSY प्रधानमंत्री सड़क योजना के काम पहले कांग्रेस के सरकार में भी उन्होंने किए थे, तो उनका नॉलेज देख के ऐसा लगा कि रास्ते की स्थिति और भौगोलिक परिस्थिति जा वा के देख के ये एजेंसी अच्छा काम करेंगी, और अच्छा काम करने के हेतु ये सरकार ने निधि भी इतना अलर्ट किया, को जो निधि देख के हमें अच्छा ऐसा लगा कि जो ये लाखांदूर तहसील के अंदर में जो आधे आधे चुलबंद के इस पार हमारी जो काली मट्टी है, इनको चौरास बोलते हैं हम, तो ये चौरास के रास्ते यानी अच्छे हिसाब से बनने के लिए जो इस्टिमेट राशि है इनका, जब ये रास्ता जो मांडल मासड़ अभी जो अपन बात कर रहे हैं, ये रास्ते के लिए 3 करोड़ कितने लग 5 करोड़, हाँ नहीं नहीं 5 करोड़ 56 लाख कुछ तो भी लाख कुछ तो भी राशि फिगर यानी राउंड फिगर में बता रहा हूँ मैं, कम ज़्यादा हो सकती है, यानी इतनी राशि 6.5 किलोमीटर पे दिए, यानी 1 किलोमीटर पे समझो 75 से 90 लाख तक के जो रुपया दिया, तो वो इस्टिमेट कास्ट के हिसाब से अपने को ऐसा पता चला कि जो भी रास्ता बनेगा उनकी वैल्यू यानी उनका क्या बोलते हैं उनको उपयोगिता अच्छी रहेगी, और इसका जो मटेरियल जो इनके काम में आएगा वो अच्छा आएगा, इसलिए जिला परिषद ने भी कोई तकरार ना करते हुए। आप मुझे बताएं कि आप जिला परिषद के सम्मानित सदस्य हो। जी, तो जब ये मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना की तरफ ये हैंडओवर किया गया, हाँ, जिला परिषद की तरफ से कुछ इसका विरोध नहीं किया गया? नहीं नहीं, क्या जो भी लोक प्रतिनिधि राज्य सरकार में जाने वाले आमदार बोलो, तो यानी
असेंबली के प्रमुख, मुख्यमंत्री, जिला परिषद के अध्यक्ष या हम सदस्य, तो सब लोक प्रतिनिधि का काम यह होता है जनता के लिए काम करना। और हमारी विचारधारा भी ये है कि अपन लोक प्रतिनिधि है, ये जनता की है, जनता की सुविधा के लिए विरोध मत करो। इसलिए गवर्नमेंट बीजेपी शिवसेना की भी होते हुए भी कांग्रेस और एनसीपी के हाथ में झटपी है, तो भी हमने ये रास्ते अच्छा काम हो रहा है इसलिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट के कहने पे पीएमजी वाइस पे सुपुर्द किए। लेकिन अभी ये रास्ते की स्थिति देख के ऐसा लग रहा है कि रास्ता यानी ये जो काम हुआ, ये जो योजना चल रही है, ये फिलहाल जनता की सेवा के लिए कि कुछ कॉन्ट्रैक्टर या अधिकारी या जो भी लोग उसमें बीच में आते हैं उसके भले के लिए चल रही है, या खास करके कुछ यंत्रणा इसमें लगी हुई है। तो हमने ये काम शुरू करते वक्त भी उनको पूछा, या एक डिप्टी जेई थे शुक्ला करके, उनको बताया था ये जो जगह आप देख रहे हैं ये पानी की जगह है, जब बाढ़ आती है चुलबन नदी है तो इसमें जो पानी है बैक वाटर जिनको बोलते हैं, और इधर से आने वाला जो नाला है, इनके वाटर से कभी भी रास्ता उखड़ सकता है। पहले इनकी लेवल कम थी इसलिए वो पानी ऊपर से बह जाता था। अभी हमने तब भी बताया कि यानी प्रोटेक्शन वाल या इनके बोल्डर की पिचिंग करने के बावजूद ही ये रास्ता ठीक रहेगा, नहीं तो ये टूटने वाला है, हमने पहले ही बोला था, लेकिन किसी ने सुना नहीं। कुछ लोगों का कहना है, कुछ यानी पर्सनल, मैं उनका नाम नहीं बताता, एजेंसी के अधिकारी भी कहते हैं कि साहब जी हमारी भी कोई सुनता नहीं, यानी डिपार्टमेंट के लोगों की कोई सुनता नहीं, तो ठेकेदार होले एंड सोल है क्या? तो ऐसी स्थिति आ रही है। जो लेयर दिख रही है, जो धसने के बाद रास्ता धसने के बाद में जो लेयर दिख रही है, हाँ, इस लेयर के हिसाब से क्या लग रहा है आपको, ये काम 100% क्लियर हो गया? नहीं नहीं, तो ये तो अंधा भी, यानी जिसको नॉलेज है, यानी जो यहाँ रहता है, ये डिपार्टमेंट का कोई कागज देख के नहीं, तो यहाँ की स्थिति देख के समझता है कि जो 5.5 करोड़ का जो राउंड फिगर है, इस्टीमेट है 6.5 किलोमीटर के लिए, तो ये पैसा ये रास्ते पे गया कि किसी के जेब पे गया, जेब में गया, ये रास्ते की हालत देख के कोई भी तय कर सकता है। रास्ते की स्थिति वैसी है, और यही नहीं, यानी हर जगह, अभी आप भी जाते होंगे, हर लोग जाते हैं जो यहाँ से आजगाँव जाना है ढोलसर से, तो वहाँ गाँव में सीमेंट रास्ता बना, मैंने खुद देखा, मैंने जेटपी में भी वो प्रश्न उठाया, वहाँ सीमेंट रास्ते की कभी मैंने आज तक के सीमेंट रास्ते को उभे यानी सीधी क्राक जाते हुए कभी नहीं देखा। अगर आपको टाइम मिलेगा तो आप ढोलसर होते हुए जाना, वो जो रास्ता यानी 500 या 600 मीटर जो रास्ता है बस स्टॉप तक के, वो सीधा क्राक हुआ, पहली बार मैंने वो रास्ता देखा। तो मुख्यमंत्री सड़क योजना के जो अधिकारी है, ये यंत्रणा है, गुणवत्तापूर्ण काम कर रहे हैं, इसमें शक है, क्योंकि काम की स्थिति देखते हुए एजेंसी या उस पर यानी सुपरविजन करने वाले जो कोई ऊपर की एजेंसी हो, ये अच्छे तरह से काम कर रहे हैं ऐसा दिखाई नहीं देता। अभी आपकी क्या मांग रहेगी? तो मेरी मांग ये है, ये मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना से इनको 5 साल के लिए ये रास्ता अच्छे तरह से पब्लिक के लिए देना है। तो अभी इसको 2 साल हो गए, तो ये रास्ता पूरा अच्छे तरह से यहाँ जो उखाड़ के जो भी इस्टीमेट में है, उनके इस्टीमेट की लेवल है, उनके हिसाब से ये पूरा रास्ता बनाने को होना। और यहाँ जहाँ जहाँ, यहीच नहीं, जहाँ जहाँ पानी का जो प्रवाह है वहाँ से खतरा है, वहाँ प्रोटेक्शन वाल और आवश्यकता अनुसार कई जो यही रास्ते पे जो पहले इस्टीमेट में परसोड़ी मंडल जो पहाड़ी के पहले पुलिया बनाया है, वो पुलिया की लेंथ पहले जो पुराना था उनसे ऊपर नहीं आया और वहाँ भी पानी आता है। तो काम करने वक्त यानी कोई समझ में नहीं रहा एजेंसी क्या कर रहे सिर्फ। और अभी हमारे सम्माननीय मुख्यमंत्री जनादेश यात्रा में बता रहे हैं, ग्राम मुख्यमंत्री सड़क योजना के योजना से महाराष्ट्र में 20,000 या 30,000 किलोमीटर रास्ते हमने बनाए, निश्चित रूप से उन्होंने बनाए। कई रास्ते यानी कागज़ पे होंगे तो कई रास्तों की दुर्दशा ऐसी होंगी, तो ऐसे रास्ते बना के यानी जिसको अपन शाश्वत डेवलपमेंट कहते हैं, यानी वो नहीं हो रहा है, इनको क्या बोलेंगे अपन, कृत्रिम डेवलपमेंट, यानी आज की आज कल की कल, यानी जूने बॉटल में पुरानी दवाई, ऐसा काम चल रहा है। इसलिए मेरी मांग है कि जो भी रास्ते हैं हमारे एरिया के, तो एजेंसी ने आप एक माध्यम बन के जो भी यंत्रणा है उनको तक पहुंचाओ कि जो भी रास्ते पर गलतियाँ किए हैं, गलतियाँ सुधारने हैं तो उनके पास
तीन साल है, ये तीन साल में सब रास्ते अच्छे करने के लिए मोहलत दे रहे हैं, नहीं तो जनता या हम जैसे छोटे प्रतिनिधि जब टाइम आएगा तो सब रास्ते पे उतार के उनको दिखाना पड़ेगा। लाखांदूर तहसील से भागड़ी से लेकर मासल जाने वाले रास्ते पर जो विगत दो साल पहले मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से करोड़ों रुपया खर्चा करके जो रास्ता बनाया गया, डामरीकरण किया गया, लेकिन दो साल के अंदर निकृष्ट दर्जे का रास्ता बनाने की वजह से दूसरे साल में यहाँ से रास्ता धंस गया है मांडल के पास में। और ये रास्ता पूरा का पूरा धंसने से यहाँ का पूरा ट्रैफिक बंद हो गया, आवागमन बंद हो गया। वजह यह है कि यहाँ से जो नाला बहता है, नाले में ज़्यादा पानी बढ़ने से, बाढ़ का पानी बढ़ने से यहाँ जो फ्लो आया वो रास्ते पर, और उससे ये रास्ता धंस गया ये कहना है। लेकिन विभाग की तरफ से मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के विभाग की तरफ से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तीन दिन हो गए, रास्ता बंद है, आवागमन बंद है, एसटी बंद है, छात्रों को परेशानी हो रही है। करोड़ रुपया खर्चा करने के बाद में भी यह रास्ता निकृष्ट दर्जे का बनाया गया, ये रास्ता धंसने के बाद में यहाँ पर दिखता है। यहाँ के जिला परिषद सदस्य मनोहर जी राउत, इनसे बात करने से उन्होंने बताया कि उन्होंने मांग की कि तुरंत ये रास्ते की मरम्मत हो जाए और वाल उसकी मतलब जो बोगस काम किया गया उसकी भी जांच हो जाए, ये भी मांग मनोहर जी राउत इन्होंने की है। निश्चित रूप से करोड़ रुपया खर्चा करने के बाद में भी अगर ये रास्ता 5 साल 10 साल अगर नहीं टिक सकता तो आखिर ये पैसा जाता किसका है? यहाँ पर टैक्स के माध्यम से जो आम आदमी का, ग्रामीण लोगों का पैसा जो सरकार के पास में जमा होता है, ये आम आदमी का पैसा डुबाने की साजिश सरकार की ओर से की जा रही है, यही आरोप यहाँ पर लगाया गया। मैं निषाद लांजेवार, MNS न्यूज़ भंडारा। MNS न्यूज़ लाइव की खबरें देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।